हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है वीना वर्ल्ड की बहुत ही एक्सपीरियंस टूर मैनेजर विशु शाह। नाउ विशु ने कुछ सालों पहले लेह में एक बड़ी ही अनोखी ट्रिप की थी, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले विशु, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके बारे में हमें थोड़ा बताइए। First of all, thank you, Neil, and hi दोस्तों, this is me, Vishu. जैसा कि नील ने कहा कि I am working with Veena World as a tour manager, and ये सिलसिला मेरे ट्रैवल का तब से शुरू हुआ when I was in my college. So सबसे पहला ट्रैक मैंने किया था, तो जो 2 दिन का ट्रैक था, उसके बाद इंटरेस्ट जागने लगा कि चलो और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी जगह है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, ट्रैवल शुरू किया, वन डे ट्रैक्स, आउटिंग्स, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिप्स जैसे 2 दिन 3 दिन के जो होते हैं विद इन इंडिया के, वो शुरू किए। और एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कुछ साल पहले, जिसमें मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करने मिला एज अ टूर लीडर। सो उसमें कैसा था कि वो जो ग्रुप था छोटे छोटे टूर्स कंडक्ट करता था और मुझे लीड करने का मौका मिला। उसके वजह से मुझे एक्सपीरियंस भी उतना ही मिला। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये सिलसिला बढ़ते गया, इंटरेस्ट पैशन में चेंज हो गया और पैशन प्रोफेशन में चेंज हो गया, और आज मैं प्रोफेशनली एज अ टूर मैनेजर हूँ, वर्किंग विथ वीना वर्ल्ड सिंस 4 इयर्स। इतने सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, उसमें मैंने बैकपैकिंग किया है, ट्रेकिंग किया है, कैंपिंग किया है, बाइक राइड की है, कुछ ऑफ बीट प्लेसेस भी, ऑफ बीट प्लेसेस इन द सेंस ऑफ बीट टूर्स जो होते हैं वो भी मैंने किए हैं। लेकिन स्टिल जितना भी हम घूमे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कम है। इट इज येट टू मच टू एक्सप्लोर एंड स्टिल गो ऑन। परफेक्ट। मैं भी ये कहूंगा कि वीना वर्ल्ड में आप इसलिए जाने जाते हो कि आप थोड़े हटके टूर्स करते हो, थोड़े हटके आपके खुद के पर्सनल ट्रिप्स करते हो। ऐसे ही आपका एक ट्रिप विशु वाज टू ले, और ले में जब हम जाते हैं तब हमारे गेस्ट के साथ ऑफ कोर्स हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। पैंगोंग लेक है, नुब्रा वैली है, हम हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंग ला पास देखते हैं, वहां से ले से जब नुब्रा जाते हैं तब वो देखते हैं। पर आपने जो ट्रिप की थी वो थोड़ी अनोखी थी, वो थोड़े हटके थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट वाज द डिफरेंस आपके ट्रिप में और एक रेगुलर ट्रैवलर के ट्रिप में। एक्चुअली वो प्री प्लान नहीं था, लेकिन एक दिमाग में एक थॉट था कि मैंने जब लेह किया था, आई हैव बीन इनटू लेह लाइक 3-4 टाइम्स। आई यूजुअली सी टू इट कि मैं एटलीस्ट हर साल एक बार तो मैं ले जाऊं, बिकॉज इट इज सो ब्यूटिफुल। एंड ऐसा मैंने सुना था कि जो लेह जाता है वो बिना कहानी के वापस नहीं आता। लेह गिव्स यू अ सरप्राइज एवरी ट्रिप, एवरी विजिट यू गो। सो इसमें कैसा था कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया था ट्रिप, और ये 7 डेज का ट्रिप था, और हम लोग लेह गए, डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट में गए, और वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट करने के बाद ऐसा सोचा कि हम लोग ये जीप सफारी करेंगे, लाइक इन अ कार, वी विल बी विजिटिंग प्लेसेस इन अ कार। बट मुझे एक हमेशा से एक ऐसा ड्रीम था कि मैं एक बार बाइक राइड करूँ। सो मैंने अपने वहाँ के एक फ्रेंड से, लोकल से रिक्वेस्ट किया कि कहीं से भी मुझे बाइक अरेंज करके मिलेगी क्या। सो उसने क्विकली अरेंज कर दी, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मैंने वो लेह, विद इन लेह का बाइक राइड किया उस पर्टिकुलर टूर में। सो इट वाज वन ऑफ इट्स ओन ब्यूटीफुल टूर। आई एक्सप्लोर्ड सेम प्लेसेस, बट दिस टाइम इट वाज आई वाज राइडिंग अ बाइक ऑन द रोड व्हिच आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लाइक एवरी ईयर, वंस इन अ ईयर। वही रोड जो मैंने कार से पहले ट्रैवल किया था, वो मैंने बाइक से खुद, अपनी बाइक 500cc रॉयल एनफील्ड चलाकर एक्सपीरियंस किया। And that experience is just can't be expressed in words. I would say it should be actually experienced on your own by riding a bike. तो विशु, आप अकेले तो नहीं थे, आपकी ग्रुप की साइज कितनी थी या आपकी बाइक्स कितनी बाइक्स आपने रेंट की थी? हम लोग सिर्फ 5 ही लोग थे, और उसमें से सिर्फ मैं ही थी जिसको बाइक राइड आती थी, बाकी सारे कार में थे जो हमने रेंट की थी। सो उसमें ऐसा हुआ कि मेरा ऐसा मोटो था कि एटलीस्ट आई एम नॉट अलोन, क्योंकि ग्रुप्स ऐसा होता है कि मोस्टली मैंने इतने साल जब भी लेह देखा है तभी बाइक राइड में पूरा ग्रुप होता है बाइकर्स का, which are only riding bikes, no cars, nothing. So एक exclusive bike group तो नहीं था मेरे पास, लेकिन I got an idea कि चलो एटलीस्ट मेरे साथ कोई है जो मुझे accompany कर सकता है मिड रोड में, अगर कोई कुछ चीजें हमें सफर करनी पड़े या फिर कुछ चीजों को हैंडल करना पड़े तो एटलीस्ट आई हैव अ बैकअप. सो मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट फॉलो अ कार राइडिंग अ बाइक. सो वी वर अ ग्रुप ऑफ लाइक 5 गर्ल्स, उसमें से आई वाज राइडिंग अ बाइक और मेरे पीछे मेरी कार फॉलो कर रही थी. ऑसम. सो आपने जब ये बाइक रेंट की, ऑफ कोर्स आपने ले में जाके ये रेंट की, पर बहुत ऐसे भी बाइकर्स होते हैं जो ले में जाकर नहीं पर दे रीच ले फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स इन इंडिया. तो ऐसे कौन से अलग रूट है जो बाइकर्स ले सकते हैं टू एक्सप्लोर लेह लद्दाख? मोस्टली नील ऐसा है कि 3 रूट्स होते हैं जिसमें से 2 शॉर्ट है और एक जो होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 है. तो फर्स्ट वन हम देखेंगे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, मनाली एंड लेह. सो दिल्ली से शुरू होता है और लेह में वो पूरा हो जाता है. और दूसरा है ऑपोजिट साइड वाला जो है शुरू होता है जम्मू, श्रीनगर, कारगिल एंड देन इट कम्स टू लेह. सो ये होता है सेकेंड शॉर्ट रूट. अगर जो हार्डकोर बाइकर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस सिर्फ बाइक पे ही घूमते हैं तो वो प्रेफर भी करते हैं कभी कभार एडवेंचर को ज्यादा एक्सपीरियंस करने का. सो ये कभी कभार वो बाइक राइड शुरू होती है दिल्ली से और खत्म होती है श्रीनगर. सो दिल्ली, मनाली, लेह, कारगिल, श्रीनगर एंड देन जम्मू. सो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बाइक राइड्स इन लेह. मैंने जो किया था दैट वाज विद इन लेह टू एक्सपीरियंस जस्ट अ स्मॉल राइड विद इन लेह बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर बाइकर. सो इट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एक्सपीरियंस फॉर मी. ऑसम. सो आपने कहा कि आप रेगुलर बाइकर नहीं हो इसलिए आपने एक शॉर्ट बाइक राइड या बाइक एक्सपीरियंस किया था, बट फॉर रेगुलर बाइकर्स और फॉर समवन हु इज न्यू, जो नए हैं जो पहली बार ले में जा रहे हैं, वो एक ऐसे शॉप देखते हैं कि रेंट बाइक्स ओवर हियर, तो उन्हें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और हाउ कैन दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स जब भी वो ये बाइक राइड पे जाते हैं? सो नील हियर, यहाँ पे एज एन एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर आई कैन से आई विल मोर एम्फसाइज ऑन जो रेगुलर बाइकर्स होते हैं, यानी कि हम उन बाइकर्स के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में नहीं बात करेंगे जो लोग रेगुलरली 30 to 40 किलोमीटर्स राइड करते हैं, जो ऑफिस के लिए लोग जाते हैं, वो नहीं. Here we are talking about वो रेगुलर बाइकर जो कोस्टल रोड्स या फिर हिली एरियाज या फिर एक अलग अलग इंडिया के टेरेन में कम से कम 120 किलोमीटर्स ड्राइव करते हैं. ऐसे राइडर्स को हम कहेंगे जो रेगुलर राइडर्स हैं. वी कैंट से कि हाँ मेरा तो रोज ऑफिस आना जाना होता है, 40 किलोमीटर में रोज का चलाता हूँ, मुझे तो 25 साल हो गए बाइक राइड करके, मुझे तो जम जाएगा. आई विल से नेवर डू दैट बिकॉज लेह एक ऐसा टेरेन है जो बहुत ही डिफिकल्ट है. एंड अगर आप एक मेरे जैसे फ्रेश राइडर हो जो रेगुलर राइड नहीं करते, सो उनके लिए मेरा एक ये टिप होगा कि इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस लेह राइड, बिफोर यू गो टू लेह फर्स्ट वर्क ऑन योर हेल्थ. सेकेंड, यू शुड एटलीस्ट हैव 5 to 6 राइड्स विद इन मुंबई और नियर बाय मुंबई which has a longest route of 100 to 120 kilometers in one ride non-stop. So when you are able to do this, जब आप 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर non-stop ride कर सकते हो, especially in घाट्स. Maharashtra is blessed with full of घाट्स. So इन घाट्स में अगर आप ride कर सकते हो without any issues and without falling down or without anybody else's help, if you can ride alone in these ghats, then you can definitely ride in Leh very easily. Okay, पर is renting very easy? मतलब क्या budget रखना चाहिए हमें जब हम ये ऐसी एक bike trip plan करते हैं? Renting in Ladakh bike rent करना लद्दाख में बहुत easy है. I mean like जहाँ पे आपका जो भी accommodation stay होगा, hotel होंगे, शायद उसी के नुक्कड़ पर एक rental bike shop तो होगा. यानी कि बाइक्स इतनी मिलेंगी आपको कि आपके पास और भी ऑप्शंस मिलते हैं. नॉट ओनली रॉयल एनफील्ड, यू कैन गेट अवेंजर्स, यू गेट हिमालयन, एनी बाइक दैट यू वांट. इट इज जस्ट लाइक अगर 2 घंटे पहले भी चाहिए तो भी मिल जाएगी, 24 आवर्स पहले चाहिए तो भी मिल जाएगी. इट इज वेरी इजी. आई गेस बजट उसके लिए होगा कुछ 1,000 रुपए से 1,200 रुपए पर डे, बाकी डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए बाइक्स लेते हो। पर मैं वापस एक सर्किल बैक करके जाऊंगा कि आई थिंक आपने एक बराबर चीज बताई, अगर आप सिटी में हर रोज राइड करते हो देन डोंट क्लासिफाई योरसेल्फ कि ओके मैं मुंबई से दिल्ली भी जा सकता हूँ या दिल्ली से मैं ले भी जा सकता हूँ, बिकॉज वो राइडिंग एक अलग तरह का राइडिंग होता है। और मैं खुद एक बाइकर नहीं हूँ बट आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे ये कहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल एट डिफरेंट पॉइंट्स। और ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और केयर के बारे में जब हम बात करते हैं तब मैं आता हूँ खारदुंग ला पास। विशु, खारदुंग ला पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। हम सबको पता है कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड होने के कारण वहां पे ऑक्सीजन कम हो सकता है। सो एज अ बाइकर व्हाट इज द केयर दैट वन शुड टेक कि उन्हें जब वो ये खारदुंग ला पास क्रॉस करते हैं तभी क्या हमें करना चाहिए और हाउ शुड वी बी केयरफुल? आई गेस आपने भी कभी लेह किया होगा, राइट? सो आपने जब लेह किया था तो आई गेस आप डायरेक्ट फ्लाइट करके लेह उतरे होंगे तो आपने 24 आवर्स रेस्ट पक्का किया होगा, कंपलसरी रेस्ट। बट बाइकर्स के मामले में और कार रूट के मामले में, यानी कि जब आप दिल्ली से आइदर बाइक और कार विचेवर व्हीकल आप ट्रैवल करते हो या फिर श्रीनगर से आप कार से ट्रैवल करते हो, तो इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो रूट, जिस रूट से, जो भी आप रूट से जाइए, दिल्ली से आओ या फिर श्रीनगर से आओ, आप मिनिमम 2 स्टेट्स क्रॉस करते हो। अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो जम्मू कश्मीर एंड देन यू कम टू लद्दाख, दैट इज अ यूनियन टेरिटरी। एंड इफ यू कम फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली, देन यू कम टू पंजाब एंड देन यू कम इनटू जम्मू कश्मीर। सो कैसा होता है कि जो रोड होता है ऑलरेडी आप हाइट एक्लोमेटाइज करते करते आते हो, आप ऑलमोस्ट 3 से 4 पासेस पास करके आते हो। सो उसमें कैसा होता है आपका बॉडी जो होता है हाइट के हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट होने लगता है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एक्लोमेटाइज होने में कोई इश्यू नहीं होता है। इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आपका बॉडी एक्लोमेटाइज नहीं हुआ तो शायद आपको एएमएस होने के चांसेस है, यानी कि अक्यूट माउंटेन सिकनेस। आपका अक्यूट माउंटेन सिकनेस ठीक नहीं है ये कैसे पता चलता है? जब आपको ब्रीदिंग में इश्यूज होता है या आपको ऑक्सीजन बहुत सप्लाई कम होता है और आपको खींचना पड़ता है अपनी सांसों को, तब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप खारदुंग ला जाते हो, जैसा कि आपने कहा इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, अराउंड 18,000 फीट पर आता है अप्रोक्सीमेट। और सबसे डिफिकल्ट चीज होती है खारदुंग ला जाते वक्त कि वो जो इंक्लाइन होता है टूवर्ड्स अप, उस तरफ जाने का रोड जो है वो काफी कच्चा होता है। सो पूरे लेह लद्दाख में सबसे कच्चा रोड जो है वो खारदुंग ला जाते वक्त का आधे घंटे का जो, उसके पहले का आधे घंटे का जो पैच है वो सबसे डिफिकल्ट है, बिकॉज वहां पे जो बेंड्स है, यानी कि जो रोड के बेंड्स है, विच इज पिन बेंड्स होते हैं, यानी कि सामने दिखाई नहीं देता कि वो बेंड कहाँ तक जाएगा। और वहां पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि वहां के ड्राइवर्स ना हॉर्न नहीं बजाते, सो हमें पता ही नहीं चलता कि सामने से गाड़ी आ भी रही है। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। सेकेंडली, कच्चा रोड होने की वजह से वहां पे कीचड़, पत्थर और कभी कभार लैंडस्लाइड्स और रॉक्स गिरने के भी चांसेस होते हैं। सो नॉट ओनली व्हाइल ड्राइविंग एंड वॉचिंग डाउन द रोड, बट यू ऑल्सो हैव टू लुक अबाउ कि कहीं पे कुछ गिरने के चांसेस है या नहीं। कभी कभार मेल्टिंग टाइम होता है स्नो मेल्ट का, तो स्लाइड्स होने के चांसेस होते हैं, तो स्नो रोड पे गिरने का चांसेस होता है। सो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें जाना होता है। इन केस अगर हमें ब्रीदिंग इश्यूज होता है तो द बेस्ट पार्ट इज, नो मैटर हाउ लेट यू आर गेटिंग, ऑलवेज टेक अ स्टॉप, ऑलवेज रेस्ट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। और ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में अच्छे से आने के लिए यू जस्ट कांट कीप ऑन ब्रीदिंग। द बेस्ट पार्ट इज यू शुड ऑलवेज ड्रिंक वाटर। वाटर इज अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट दिस हाइट, सो कीप ड्रिंकिंग वाटर एंड देन गो अहेड, बिकॉज ऑक्सीजन कम होगा तो आपको डिजीनेस होगा और ड्राइव करते वक्त अगर डिजीनेस हुआ तो आप एक्सीडेंट्स के चपेट में आ सकते हो। सो इट्स बेटर टू बी वेरी मच अलर्ट। इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट अलर्ट, यू कैन टेक रेस्ट। और वहां पे हेल्प बहुत जल्दी आ जाती है, आजकल तो इतनी सारी गाड़ियां जाती है कि हेल्प ऐसे पीछे ही रहती है। कहीं पे भी आप रुके होंगे तो हर कोई गाड़ी, गुजरती हुई गाड़ी आपको पूछेगी, भाई साहब कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अगर है तो वो तुरंत बोलेंगे ठीक है जी आप आ जाओ, हम लेके चलते हैं आपको। एक चीज आपने बहुत ही सही बताई कि ये जो टुगेदरनेस इंडिया में जो हमें दिखता है वो हमें लेह के रोज पे तो बहुत ही दिखता है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पानी, ड्रिंक वाटर ऑल द टाइम, टेक रेस्ट एज मच एज यू कैन, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी हैंडल कर पाएगी। पर जब मैं भी पहली बार ले गया था तभी आई रियलाइज कि यू नो दैट 24 आवर्स रेस्ट इज एक्सट्रीमली नीडेड, एक्सट्रीमली एसेंशियल एंड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बट यस, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, यू स्लोली रीच एक्लेमेटाइजेशन फॉर दैट एल्टीट्यूड, और फिर आपकी बॉडी एक बार उस एल्टीट्यूड को जब यूज टू हो जाती है तब यू कैन एंजॉय योर हॉलीडे इन अ मच बेटर वे। सो आई विल टोटली अग्री विशु विथ यू। एज वी रीच द एंड ऑफ द एपिसोड, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगली बार अगर आपको और एक चांस मिला लेह में मोटर बाइक राइड करके हॉलीडे करने का, तो आप कौन सा रूट चूज करोगे? I will choose from Delhi to Manali and Manali to Leh, because वो route वहाँ पे आपको second highest motorable road, वहाँ से गुजरते हुए जब आप आते हो, और जिस्पा की ठंड, अगर आप वहाँ पे कैंपिंग करते हो तो ये बेस्ट पार्ट होगा। ये हिस्सा मुझे इसलिए पता है क्योंकि वहाँ से मैंने एक बार कार राइड की है, यानी कि मेरी जो कार है जो दिल्ली रूट से एक बार आ चुकी है, तो वो जो एक रूट है उसका नजारा इतना प्यारा है। नील, अगर आपको लेह में कैंपिंग करने के लिए कभी ऐसा सोच आई होगी आपको कि हाँ मुझे एक बार कहीं कैंपिंग करनी है लेह में, थोड़ा सा दिल डरता है बिकॉज इतनी ठंड होती है, लेकिन जब हम बाइक राइड करते हैं तो जिस्पा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नाउ दैट यू हैव सेड कैंपिंग, मैं ऐसे कहूंगा कि कैंपिंग ही नहीं पर मुझे ट्रेकिंग करने का भी बहुत ही शौक है, एंड होपफुली हमारे भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो कैंपिंग और ट्रैकिंग के बारे में होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच विशु, इट वाज ग्रेट टू सी यू। आपने हम सबको ले ऑन अ बाइक के बारे में बहुत ही एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम और ऐसे ही एडवेंचरस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड एज विशु आई हैव टोल्ड यू कि आप वीना वर्ल्ड में जाने जाते हो क्योंकि आपके पर्सनल ट्रिप्स थोड़े हटके रहते हैं, थोड़े एडवेंचरस रहते हैं। हम सभी को आपसे नई स्टोरीज सुनने के लिए बहुत ही आशा रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच विशु, इट वाज ग्रेट टू सी यू, एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी को जिन्होंने आज हमारे ये पॉडकास्ट एपिसोड में ट्यून किया। एंड टेक केयर, स्टे सेफ, और लेह में जरूर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।